ये शायद सेकंड या फिर थर्ड फ्लोर पे है। चढ़ चढ़ के मेरी सांस फूल गई और सांस भी फूलती है, लेकिन मैं ट्रैकिंग से बाज नहीं आती। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे एंड अदर व्लॉग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और हमारा प्यारा प्यारा दिन जो है सुबह सवेरे शुरू हो चुका है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम उठे हैं, रेडी शेडी हो रहे हैं। बाहर जो है दूसरे ग्रुप्स वाले जो है निकल रहे हैं, तो अभी हम भी बस निकलेंगे सवाद के लिए। और मेरी जो रूम पार्टनर है ना, उसकी एक्साइटमेंट इतनी थी कि सुबह को 4 बजे मैडम साहब उठ गई है। सुबह को 4 बजे उठ के बैठ गई है कि बस चलो 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 उठना है क्या, उठना है क्या, अबे यार सो जाओ, हमें भी सोने दो, 4 बजे कौन उठता है। तो बस अब अल्लाह अल्लाह करके हम लोग 5 बजे उठ गए और रेडी शेडी होते हैं, बस फिर नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद आगे निकलते हैं और आगे कुछ प्लेसेस हैं वो विजिट करते हुए जाएंगे। तो आप लोगों को उसके लिए कनेक्टेड रहना है मेरे साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बेल आइकन को दबा दो। अभी तो मैं रेडी शेडी होती हूँ, ड्रेस चेंज करती हूँ, आप लोगों को फुल लुक दिखाती हूँ और अपने साथ लेकर चलती हूँ। ओके जी, आई एम रेडी और ये मेरे सामान है। ये अभी मैंने स्ट्रेटनर गरम किया है, थोड़ा सा ब्लो ड्राई लुक दिया है मैंने अपने 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 बालों को खुद से, तो ये गरम है, इसको बस मैं हाथ में लेके जाती हूँ क्योंकि रिस्क नहीं लेना, बैग में रखूँगी तो दूसरी चीज़ें मेरी जल सकती हैं, तो इसको बस लेकर चलती हूँ। गाड़ी में रख दूँगी बॉनेट पे, वैसे भी गाड़ी तो हमारी है, और वो मैंने जैकेट ले लिया है, कहीं पर भी सर्दी वगैरह लगी तो जैकेट पहन लूँगी। तो बस अभी निकलते हैं, नाश्ता करते हैं और पहले तो शूज़ पहनूँ, ये देखो मेरी चप्पल पहन ली है, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना फुल लुक। अब रेडी शेडी होकर निकल चुके हैं अभी नाश्ते के लिए। दूसरे पार्टिसिपेट्स कहाँ हैं? उस तरफ है। कितने बजे निकलना है? ज्यादा से ज्यादा 9 बजे। ओके जी, अभी हम लोग, मेरी जो पार्टिसिपेट्स है वो इधर है, तो पता नहीं कहाँ है। आप लोग नाश्ता किया? नहीं अभी आता है। मैंने तो कर लिया। ये तो गलत बात है। यार वो वहाँ पे लगा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा बोला कि उनको बिठा दिया है, करवा रहे हैं नाश्ता, मुझे यही पता चला। हाँ आ जाए तो आ जाए तो फिर हम सब लोग निकलते हैं। मेरा फुल लुक दिखाओ, यहाँ पे दिखाएं, लोकेशन बहुत बुरी है। खैर, थैंक यू जी। अभी हम लोग निकल रहे हैं, ये हमारे सामान शमान जो है ऊपर रखे जा रहे हैं, फिर मैं बैठूंगी अपनी सीट पे, मेरी जो फेवरेट सीट है ये वाली, इस पे मैं बैठूंगी। ये मेरे सामान अपने मैंने ऑलरेडी रख दिए हैं, ये देखो मेरे, मतलब जहाँ पे रहोगे वहाँ पे कचरा तो लाजमी होगा, तो यहाँ पे भी मैंने कचरा फैला दिया है अपना। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का सफ़र है, तो अभी देखते हैं कि बीच में कौन कौन से पॉइंट्स आती हैं और क्या क्या हम कवर कर सकते हैं। नहीं मतलब मैं जब निकल रही थी, इन टूर ऑपरेटर से मैंने पूछा कि हमें कितना टाइम लगेगा सवाद पहुंचने में, तो इसने मुझे बताया कि 2 से 3 घंटे। अब हम यहाँ पे बैठ चुकी हूँ मैं, हम निकल चुके हैं और इतना प्यारा रास्ता है, इतना प्यारा मौसम है, इंजॉय कर रहे हैं। और मैंने पूछा इनसे कि अब कितना टाइम बचता है, मुझे लग रहा है कि 1 घंटा हम करके आए हैं ट्रैवल। जब इंसान जो है एंजॉय करते हैं तब टाइम को नहीं देखता, टाइम तब जो है रुक जाता है, उधर ही रुक रहा है। मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगी, मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी कि कितना टाइम बचता है जो है 4 घंटे रहते हैं। नहीं वहाँ से निकलते हुए 4 घंटे, फिर यहाँ पे भी पहुँच के भी 4 ही घंटे बचते, तभी तो रास्ता ही स्टार्ट नहीं हुआ। रास्ता सेट नहीं हुआ क्या, मतलब खुद से सेट करते हैं क्या? अभी जहाँ से हमने स्टार्ट करने, जहाँ से 4 घंटे स्टार्ट हुए, तो वो तो आप रास्ता आ ही नहीं है भाई, इनको छोड़ दो, आप इग्नोर करो, जो भी है 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे पहुँचना हमें अपनी लोकेशन पे, वहाँ पे पहुँच के आपके अपडेट करते हुए व्यू इंजॉय करते हैं। और टाइम का क्या करना है, यहाँ पे बैठ के मैं अपनी एडिटिंग शेडिटिंग करती हूँ, पूरा मैं बंदोबस्त करके आई हूँ। मैं अपना प्यारा सा ब्लैंकेट भी लेकर आई हुई हूँ, तो इसको ऐसे करके अभी मैं करती हूँ अपनी एडिटिंग और टाइम को करते हैं पास, ताकि हम जल्दी से पहुँच जाए। हमारा शॉर्ट स्टे है यहाँ पे, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के लिए उतरे हैं, तो फ्रेश वगैरह होके फिर यहाँ से देखते हैं कुछ खा पी लेते हैं, कोई चीज़ वगैरह अगर लेनी है, लेकिन स्नैक्स तो मैंने बहुत सारे लिए हुए हैं, तो फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह ले लेती हूँ
और फ्रेश हो जाते हैं फिर, क्योंकि आगे मे भी स्टॉप ना हो और फिर हम आगे जाएंगे। तो लेट्स सी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टॉप है और यहाँ पे हमने चेरीज देखे हैं, सब लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये वाले चेरीज इतने कोई प्यारे हैं ना शक्ल में ही, तो खाने में कितने मजे के होंगे। हमारे यहाँ तो पता नहीं किस तरह के चेरीज होते हैं, तो बस मैंने भी चेरीज ले लिए और एक्सप्लोर करते हैं ये वाली लोकेशन, देखते हैं चल के क्या है, किस तरह का है। लेकिन देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है। आई थिंक इसको फिजा घट के फैजा घट, मुझे नहीं पता नाम नहीं आ रहा, पूछ के बताती हूँ मैं। मैंने कंफर्म कर लिया इसका नाम है फैजागढ़ और छोटा सा व्यू पॉइंट है, बहुत ही प्यारा सा, नाइस। यहाँ पे मैं घूम रही हूँ तो यहाँ पे मुझे एक मेरी फैन मिली जो कि खुद पठान थी और उसको पश्तो में ही बात करना आ रही थी, उर्दू आ रही नहीं रही थी, तो वो आके मुझे पश्तो में ही बोल रही है कि मुझे तुम्हारे साथ पिक्चर बनवानी है। तो मुझे तो समझ में नहीं आई, हमारा ऑपरेटर था उसने मुझे समझाया कि वो चाह रही है कि तुम्हारे साथ पिक्चर बनवाए। और फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे देखा कहाँ पे, तो बोलिए मैं टिकटॉक पे तुम्हें फॉलो करती हूँ। हाय अमीना, खुशी हुई मुझे, खुशी हुई मुझे कि मेरे यहाँ पे भी फैंस हैं। तब यहाँ पे मैं पूरा घूम रही हूँ सारा, अरे हमने घूम लिया, अब हम लोग जा रहे हैं इस तरफ ऊपर। तो कहाँ से जाना है? यहाँ से, यहाँ से जाएंगे, टॉप पे चढ़े, यहाँ पे एक स्लाइड है। तो ये देखो ये एक्सपेरिमेंट्स, अरे हम यहाँ पे डरे हैं, ये देखो ये कैसे जा रही है, अरे वाकई में जा रही है। चले वाकई पहले उसको नीचे तो देखो, अरे वो वाकई में उतर गई। वो देखो वो हमारा ऑपरेटर। तो हमारे साथ बच्चों वाली, ये तो देखो, ओ माय गॉड, बड़ा वावा, बड़ी पठानी है इनके साथ नहीं होता। देखो हमें तो डर लग रहा है भाई, ये देखो। अभी मैंने एक पश्तो का लफ्ज सीखा है, मशरूमी गुगनीशी, मतलब चोट ना लग जाए, गिर ना जाओ। सही है, ऐसे ना हो कि मैं पश्तो की टांगे वांगे तोड़ दूं। मशरूमी गुगनीशी, खुब नशी, पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी में और आगे के लिए, देखते हैं कि आगे का कौन सा स्टॉप है। हम लोग ले रहे हैं गन्ने का जूस, एक दूसरे से पूछे पीना है तो हमने भी पी लेते है नहीं है, बस देखा है तो हम पी लेते हैं। कल चुके हैं आगे अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है वाइट पैलेस, तो आगे चलते देखते हैं, क्योंकि सवाद में फर्स्ट टाइम आई हूँ, सवाद मैंने पहले नहीं आई कभी भी, तो आगे चलते देखते हैं कि वो क्या है, क्योंकि मुझे खुद आइडिया नहीं है सवाद का। तो पहुँच चुके हैं सवाद और ये है हमारा होटल और ये है हमारा रूम जिसकी हो रही है अभी सफाई, तो हमने अपने सामान यहीं पे बाहर रख दिए, तो बोल रहे हैं सफाई हो जाए उसके बाद आप लोग चेक इन करो। और ये शायद सेकंड या फिर थर्ड फ्लोर पे है, चढ़ चढ़ के मेरी सांस फूल गई। और यहाँ से इसका व्यू देखें, हसीन तरीन, और मौसम इतना प्यारा है, प्यारा प्यारा मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, मतलब ठंडी ठंडी हवा, गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसके बाद अभी हम चेक इन करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होके फिर आगे जाएंगे मालम जबा के वगैरह। फ्रेश वगैरह होके अभी हम लोग निकल रहे हैं मालम जबा एक्सप्लोर करने, तो फिर ये हमारा होटल था जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब हम जा रहे हैं मालम जबा देखने। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मालम जबा के लिए, तो वहाँ पे क्या क्या है हमें सकून चाहिए, अगर वो मिल रहा है तो फिर हम जाएंगे। ठीक है, डन हो गया। तो
पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। यहाँ से देखें इतना हसीन वो वहाँ पे चेयर लिफ्ट का है एरिया ये। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, और आप लोगों को बता दूं कि मैंने आज तक चेयर लिफ्ट का एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो इसका भी मज़ा लेंगे हम। ये डिसाइड हुआ है कि यहाँ से एक तो चेयर लिफ्ट है, दूसरा कुछ और भी लोकेशंस वगैरह पॉइंट्स वगैरह भी हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जीप कर लो और उसमें सारा पैकेज है, 3000 पर पर्सन आ रहा है पैकेज। फिर उसमें हम लोग जाएंगे, वो पॉइंट्स भी कवर करेंगे और जो है चेयर लिफ्ट भी लेंगे, आने का जाने का और सारा कुछ है उसमें। तो फिर वही डिसाइड करें, अब गाड़ी आ जाए तो फिर वहाँ के लिए निकलते हैं आगे। तो वो जीप ट्रैक है, तो अभी हम वहाँ जो है जीप में जाएंगे। ये है हमारी गाड़ी, अभी इसमें हम लोग जा रहे हैं। आगे की जो पोजीशन लोकेशन से वो विजिट करेंगे। इसमें बैठ जाएंगे तीन। वो कहाँ गई रुकैया? वो खाना लेने गई है कुछ खाने के लिए। जी हम लोग निकल चुके हैं अपनी लोकेशन के नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, तो उसका रास्ता कुछ ऐसा है अभी तक, तो देखते हैं आगे क्या है। आगे और खतरनाक है क्या रास्ता? नहीं यार, नहीं होगा ना? नहीं, नॉर्मल है। चलो जी अभी तो देखते हैं आगे कैसा है। जैसे बताओ जी। ये है हमारा ट्रैक जो कि हम बोल रहे थे कि नहीं नहीं खतरनाक नहीं है, लेकिन हाँ इतना भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि मैं तो इससे ज़्यादा खतरनाक वाले ट्रैक्स भी देख के आई हूँ। लेकिन देखते हैं आगे के व्यू कैसा मिलता है हमें। अभी तक तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, मौसम भी बहुत प्यारा है। इस तरह का है व्यू यार, तुम लोगों की साइड से बहुत अच्छा है। यहाँ पे उतरे हैं और यहाँ से सारा पैदल जाना है। ये है हमारा व्यू अभी का। तो अभी यहाँ से पैदल जाना है, ये सबको सारा पैदल जाना है। बस तकरीबन 2 मिनट का सफर है नीचे, 2 मिनट का सफर, 3 मिनट है। चश्मे जंगल, ये चारों तरफ जंगल है, सही है। नीचे जाके चश्मे के साथ तस्वीरें बने उनके सिपारे को, फिर भी उन्होंने ट्राउट फिश देख ले, कहना था कहने के लिए भी मिलते, सही है। वहाँ से घूम फिर के वापस यहाँ आप लोगों ने, यहाँ से फिर ग्रीन वैली लेके जाएगा, ग्रीन वैली पार्क ऊपर चेयरलिफ्ट वाला पॉइंट ले जाएगा। ओके, अभी 2-3 मिनट जो है हम वॉक करके जाएंगे, फिर वहाँ पे एक पॉइंट है, उसके बाद ग्रीन वैली है और ये सारा कुछ है, तो चल के देखते हैं। चलो लेट्स गो। तो जी चलो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं वो उसकी जीप, वो अपना व्लॉग बना रही है वहाँ पे, मेरी रूम मेट। अपना जैकेट पहन लिया है क्योंकि मुझे लग रही है अभी ठंड। अभी क्या है, कहाँ जाना है? यहाँ नीचे सो के वहाँ पे जो छोटा सा वॉटरफॉल है। हाँ वहाँ पे जाना है। ओके, तो यहाँ से नीचे जाएंगे और फिर वो वाला वाटरफॉल वो रहा, ये यहाँ तक जाना है वो छोटू सा वाटरफॉल। और ये है व्यू, क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह होती है तो फिर बहुत ज़्यादा पानी होता है। अभी बारिश वगैरह नहीं हुई तो पानी कम है, तो व्यू प्यारा है बाय द वे। और वाइब तो हसीन, ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी, सुकून। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो क्या है, ग्रीन वैली की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे चेयरलिफ्ट की तरफ। सो लेट्स गो। चलो अभी हम जाएंगे ग्रीन वैली की तरफ। यस चलो। यहाँ पे यार कीचड़ है और मेरी जीन्स लंबी है और मैं छोटू हूँ, पता नहीं क्या मसला है, मैं छोटू हूँ कि जीन्स लंबी है, मैं किससे जाऊँ। चलो जो भी हुआ देखा जाएगा।
नीचे जाना बहुत इजी था लेकिन ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन व्यू वर्थ द विजिट था, बहुत मज़ा आया। अभी ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और अपनी गाड़ी में बैठेंगे, फिर हम लोग जाएंगे आगे ग्रीन वैली की तरफ। और मेरे पार्टनर्स पता नहीं पीछे रह गई हैं, वो लोग पीछे हैं, मैं तो आगे आगे चलती जा रही हूँ। ये वाला व्यू, हम अब पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जो के है ग्रीन वैली, और अंदर चल के देखते हैं। वाओ, प्यारा है, भूख लग रही है मुझे। पे कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर किया है जब तक हमारे पकोड़े चाय वगैरह बने, और इस व्यू को देखें आप लोग। हाय, अगर हम लोग यहाँ पे नहीं आते कितना मिस करते। कौन मना कर रहा था दीबा? ये दोनों मना कर रही थी ना, तुम दोनों यहाँ पर। हाँ, अगर हम तो यहाँ पे नहीं आते कितना मिस करते। नहीं तो कहा था। हाँ, मेरी फ्रेंड एक और फ्रेंड थी मेरी, वो बेचारी बोल रही थी नहीं जाओ, मजा नहीं है, और वो वहीं पे ही है, वो नहीं आई। तभी हमने कहा शायद ना, वो आ चुकी है ऑलरेडी, लेकिन हमें तो अच्छा लगा है ना। मुझे तो बड़ा मजा आया, मैंने तो बोल ये और अच्छी है जगह, उस वाली से भी, वाटरफॉल वाली से भी, यहाँ पे और मजा है। यम्मी ये वाला वेदर और पकौड़े, हाय हाय, यम यम यम। हम इस प्यारे से व्यू को बाय करके अब हम जा रहे हैं चेयर लिफ्ट की तरफ। ये वाला व्यू अगर मैं मिस करती ना, बहुत पछताती, बहुत मज़ा आया बहुत। और ये यहाँ पे हट वगैरह बन रहे हैं। ये वाला ट्रिप हमारा हुआ पूरा, अब हम जाएंगे चेयर लिफ्ट की तरफ, लेट्स गो। ये हमारी एंट्री वगैरह हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से जाना है, यहाँ से है रास्ता। वो तो व्लॉगर चेक करो ना, ये वाली व्लॉगर, ये मुझसे बस मतलब दो कदम आगे है, मैं तो फिर भी व्लॉगर हूँ, ये व्लॉगर प्रो मैक्स है, तो इससे मैं सीख रही हूँ टॉकिंग स्किल्स। और सर्दी हो गई अभी तो बहुत, जल्दी से चलते हैं क्योंकि 7 बजे बंद हो जाएगी। अगेन एंट्री, कहाँ से जाना है, यहाँ से। बहुत बड़ी लंबी लाइन है, पूरा घूम घूम के आए, अब यहाँ से फिर वापस चले जाते हैं। मैं इन लोगों के पीछे, ये मैं इन लोगों के आगे, फिर ये मेरे पीछे, पता नहीं क्या एक दूसरे के आगे पीछे घूम रहे हैं। चलो जी आ गए हम लोग, कैसे बैठना है, डन एक्सपीरियंस ऑन अ चेयर लिफ्ट, नाइस, मज़ा आ रहा है। थोड़ी थोड़ी सर्दी भी है, थोड़ी थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा हो रही है अब तो, बट आई एम इंजॉइंग, क्योंकि हम सिंध की इतनी बुरी वाली गर्मी से आए हैं ना कि हमें ये वाली सर्दी चाहिए, आई वॉन्ट दिस। जी हम लोग पहुँच चुके हैं अब दूसरी साइड, वहाँ से अब यहाँ पे थोड़ा सा घूम फिर के फिर जाएंगे चेयर लिफ्ट के साथ अपने उस तरफ, फिर जाएंगे बस रूम से। मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, हसीन हाय। आगे यहाँ पे ट्रैकिंग है पूरा, ओए होए, यहाँ पे तो मैं जा रही हूँ, ये पूरी माउंटेन पीक है जो कि ट्रैकिंग करके, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, यहाँ से पूरा व्यू नज़र आएगा इस तरफ का भी और इस तरफ का भी, लेट्स गो। मेरी सांस भी फूलती है लेकिन मैं ट्रैकिंग से बाज नहीं आती, वो वहाँ से ट्रैकिंग करके मैं आई हूँ और ऊपर है, लेकिन ट्रैकिंग में जो मज़ा है ना वो मतलब किसी चीज़ में मज़ा नहीं। उफ, ये देखो कि जी ये है व्यू, और इससे ऊपर भी है लेकिन इतना ऊपर मैं नहीं जा रही,
क्योंकि बस यहीं पे ही मेरी बस हो गई और नीचे भी जाना है, तो बस टाइम भी पूरा हो रहा है और फिर और नीचे भी जाना है हमें, तो लेट्स गो, बस चलते हैं। यहाँ से ये वाला व्यू है, हम लोग नीचे आ चुके हैं, मतलब वो वहाँ से ट्रैकिंग पे गए थे, वो टॉप था, वहाँ से नीचे आई हूँ। अब यहाँ से जाएंगे उस तरफ, फिर यहाँ से चेयर लिफ्ट में जाएंगे हम लोग नीचे, बिल्कुल वहाँ नीचे, फिर जाएंगे अपने रूम्स पे आई थिंक। हाँ, फिर डिनर वगैरह करके और रूम्स पे, तो अब चलते हैं। यार ट्रैकिंग में जो सुकून है ना, जिंदगी में किसी जगह में सुकून नहीं है। अगर आप लोग नॉर्थ आए और ट्रैकिंग ना की ना, तो मतलब आपने नॉर्थ नहीं किया, इसलिए ट्रैकिंग ना की। यार ट्रैकिंग में इतना मज़ा था, ऊपर जाकर बहुत सुकून था। चलो यार, ये तो बहुत लंबी लाइन है, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, लाइन लगी हुई है। गोइंग बैक, हमें स्पेशल प्रोटोकॉल मिला क्योंकि हम फीमेल्स थी और फैमिली थी, तो इस वजह से उन लोगों ने बोला कि आप लोग पहले जाएं, जेंट्स जो हैं वो बाद में भी चले जाएंगे। तो आई एम गोइंग बैक, जा रहे हैं बस नीचे पहुंच गए। और कैसा रहा आपका? बहुत बहुत जबरदस्त यार, बहुत मजा आया, मैंने तो बहुत एंजॉय किया यहाँ पर भी। मैंने देखा हाँ, तुमने बहुत एंजॉय किया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी बस अब जाएंगे हम अपने रूम पे, और दोस्त अच्छे हो, कंपनी अच्छी हो, ग्रुप अच्छा हो, तो सच में अच्छा। हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, कोई पहले की दोस्ती नहीं है, मैं हैदराबाद से आई हूँ और ये लगता नहीं है कि फर्स्ट टाइम मिले। और इसने सखर से ज्वाइन किया, तो हम सखर से लेकर अभी तक साथ साथ ही है, और बहुत मजा आ रहा है अभी तक। डाडो मजो आयो, ऐसा के डाडो मजो आयो, एड़ा प्रोग्राम थी ना रन इंशाल्लाह, गट जानी हेल्दी रहंदी। चलो अभी रात में शायद बारबेक्यू का प्लान है। ओहो, आई वांट फायर, मजा आ जाएगा। चलो अभी मेरी फोन की बैटरी जो है डेड है, तो रूम पे जाके आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगी।